সোমবারে ডিব্রুগড় অপেক্ষা হসপিটালত সিআরপিএফৰ এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। দেশৰ নিরাপত্তার বাবে নিয়োজিত 171 বেটেলিয়নৰ সিআরপিএফ জওয়ান আৰু সাধারণ রাইজে অংশগ্রহণ করলে এই রক্তদান শিবিরত। আজ অপেক্ষা হসপিটাল ডিব্রুগড় মে সিআরপিএফ কে সাথ হাম লোক জয়েন্ট ভেঞ্চার এক ব্লাড ডোনেটেড ক্যাম্প কর রহে হ্যাঁ আর হাম লোক সব অপেক্ষা হসপিটাল কে তরফ সে সবকো কোটো কোটো প্রণাম বল রহে হ্যাঁ কি আজ ইয়ে হসপিটাল মে ব্লাড জো ডোনেটেড ক্যাম্প হোগে ইয়ে সবকো কাম আয়েঙ্গে ইসলিয়ে ধন্যবাদ। আজি এই শিবিরৰ শুভ উদ্বোধন করে সিআরপিএফ 171 বেটেলিয়নৰ সিও সমীর কুমার শ্রীবাস্তবে। রক্তদান শিবিরত সিআরপিএফৰ জওয়ানসকলে দেশৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে সক্রিয়ভাবে এই রক্তদান শিবিরত অংশ লওয়া পরিলক্ষিত হয়। আজ আমাৰি সিআরপিএফ ইউনিট কি তরফ সে আমাৰি সিও সাহেব হ্যাঁ শ্রীবাস্তবজি আর সর কি ইনপুট সে আজ পসিবল হো পায়া জব হাম লোগ এক ভলেন্টারি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কর রহে হ্যাঁ সিআরপিএফ কি তরফ সে और ये जो ब्लड की हर बूंद एक पेशेंट की लाइफ सेव कर सकती है, ये बात हमें तब समझ में आती है जब इमरजेंसी होती है और जब एक पेशेंट की लाइफ सिर्फ ब्लड की सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। और इसमें जो सहयोग अभी सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से हमें मिला है उसमें हम लोग मेडिकली ये कोशिश करेंगे कि इसकी हर बूंद का हम लोग हिसाब रखें और कम से कम कुछ ऐसा हो कि किसी परिवार में इन जवानों के ब्लड से खुशियां आए। सीआरपीएफर 171 तम बेटेलियनर 20 तम प्रतिष्ठा दिवस 9 अगस्त उद्यापन करा हबो। यार परिप्रेक्षित 1 अगस्त परा भिन्न प्रकार कार्यसूची आयोजन करा हुसे बुली सीओ समीर कुमार श्रीवास्तवे जानिबोले दिए। वन बटालियन सीआरपीएफ अपने रेजिंग डे के उपलक्ष्य पे आज एक ब्लड डोनेशन प्रोग्राम अपेक्षा हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें कुल 25 जवान इंक्लूडिंग मी हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और एक ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सीआरपीएफ ना आपकी सरहदों और आपकी सुरक्षा के लिए है बल्कि यहाँ के सामाजिक कार्य के लिए भी सीआरपीएफ 170 बटालियन हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा आगे रहती है।